अस्सलाम वालेकुम साहब, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कल्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें हमने तीन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट डिस्कस किए थे। एक तो था हार्ट, दूसरा था ब्लड और तीसरा था ब्लड वेसल। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस करने वाला कंपोनेंट वो है हार्ट। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मेजर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। हार्ट जो सा ये मेजर है, यानी कि सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट है। और दूसरा इसका पॉइंट है, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप ब्लड में, ये पूरे जिस्म में ब्लड की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं। व्हेन हार्ट पंप ब्लड इट प्रोड्यूस हार्ट बीट। जब हमारा दिल हमारे ब्लड को ना पंप करता है तो हमें एक सेंसेशन फील होती है हार्ट वाली जगह पे, उसके उसे कहते हैं हार्ट बीट, यानी कि दिल का धड़कना। ठीक है, एक जो अडल्ट पर्सन है उसका 72 टाइम्स हार्ट बीट एक मिनट में होती है। 72 दफ़ा ना, 72 दफ़ा एक बालिग इंसान का दिल धड़कता है एक मिनट में। और आगे हम डिस्कस करते हैं जो हार्ट बीट है वो हमें, हम किस तरह उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपकी ये रिस्ट के ऊपर उंगलियां रख के चेक करते हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी है और बताते हैं। तो इस समय को कहते हैं पल्स। पल्स हार्ट बीट फील बाय पुटिंग फिंगर ऑन रिस्ट विच इज कॉल्ड पल्स डैट यू फील। जो हम फील करते हैं यानी कि वो जो ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना उसको कहते हैं पल्स। ठीक, आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश पढ़ता जाऊँगा साथ साथ बताता जाऊँगा आपको। पहला हार्ट इज कौन सी है, कौन आपने देखी है, जिस तरह वी शेप होती है उस तरह, ये देखो कौन, ये कौन शेप होती है इस तरह, ये कौन शेप होती है, होलो। होलो का मतलब होता है खोखला, ये अंदर से खोखला होता है दिल। और साइज ऑफ फिस्ट, इसका साइज कौन सा होता है, मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, जिस तरह ये मुट्ठी है ना इतना ये साइज है ब्लड का, हार्ट का, सॉरी हार्ट का। इट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर, जो हार्ट है ना हमारा, इसमें चार चैम्बर है। चार चैम्बर कैसे हैं, दो ये दो ये, दो हमारे पास आर्ट्रियम है, दो वेंट्रिकल है। ठीक है, और चार टोटल हो गए, टू आर्ट्रियम है टू वेंट्रिकल। आर्ट्रियम आर स्मॉल इन साइज, ये जो आर्ट्रियम है ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बड़े होते हैं और आर्ट्रियम छोटे होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट सप्लाई ब्लड टू बॉडी, जो ये लेफ्ट साइड है हमारे दिल की, हमारे दिल की दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट साइड है ये वाली, ये हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। जो राइट साइड है ये हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, राइट साइड सप्लाई टू लंग्स, राइट साइड का काम क्या है, ये ब्लड को लंग्स की तरफ मूव करवाती है। राइट एंड लेफ्ट साइड आर सेपरेटेड बाय लेयर कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम एक ऐसी लेयर जहाँ कह लें बाउंड्री है, जो राइट और लेफ्ट को लेफ्ट के दरमियान प्रेजेंट है, जो इनको दोनों एक दूसरे के मिक्स होने से बचाती है। ये देखो, ये ऐसी लेयर जो इसका ब्लड इधर आने और इसका ब्लड इधर आने से प्रिवेंट करती है, इसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम ऐसी लेयर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड से रोकती है। ठीक है, आगे है वाल्व। हमारे दिल में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व को हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं दरवाजा। ठीक है, वाल्व आर कनेक्टेड आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। ये वाल्व है, ये जो तीन इधर है दो इधर है, ये वाल्व है जो हमारे आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्राइकैप्सिड वाल्व प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल, ये जो तीन मैंने लाइन लगाई है ट्राइकैप्सिड वाल्व है। ये ट्राइकैप्सिड वाल्व राइट हार्ट हार्ट की राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते, यानी कि इधर से बैक ना ब्लड जाए। ठीक है, जब इधर से ब्लड इधर आता है ये ओपन होते हैं, जब इधर पहुंच जाता है सारा ब्लड ये बंद हो जाते हैं वाल्व। इनका काम यही है, बस बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, आगे जो लेफ्ट साइड है ना हमारे हार्ट की, उसमें बाइक एसिड होते हैं। बाइक का मतलब होता है दो और ट्राइक होता है तीन। बाइक एसिड वाल्व प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, ये दो जो लाइनें लगी हैं इनको बाइक एसिड वाल्व कहते हैं। इनका काम भी वही है, खून को पीछे जाने से रोकना। ठीक है, आगे वो उसका फंक्शन लिखा, वाल्व प्रेजेंट बैक प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड।
ब्लड, ठीक है। आज हम इतना ही करना है, आगे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे हमने डिस्कस करना है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक जिस तरह हमारे जिस्म को जब बुखार हो तो डॉक्टर थर्मामीटर के जरिए से चेक करते हैं, उसी तरह डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, उसके जरिए सुनते हैं। तो जो जब लगाते हैं ना हमारे इधर वो वॉइस को, तो उसको लकअप की आवाज़ आती है। लकअप की आवाज़ कब आती है? लक की आवाज़ कब आती है? जब हमारे आर्ट्रियम में ब्लड खाली, आर्ट्रियम फुल खाली और ब्लड हमारा मूव करते हैं वेंट्रिकल में, तब ये लक की आवाज़ पैदा होती है। और डब की कब आवाज़ पैदा होती है? डब की तब होती है जब ये वेंट्रिकल से ब्लड हमारे ब्लड वेसल में आते हैं, वेंट्रिकल से आगे ब्लड वेसल के जरिए हमारे जिस्म में ब्लड मूव करता है, ठीक है। तो आगे टू वे मूवमेंट ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड दो रस्ते से काम करता है। एक तो वो हमारा पूरे जिस्म से जो गंदा खून होता है ना उसको कलेक्ट करता है और हमारे लंग्स की तरफ ले जाता है। लंग्स का हम फंक्शन होता है खून को साफ करना, तो दूसरा इसका काम होता है हार्ट का, जो साफ खून है ना लंग्स से उसको ले पूरी बॉडी में जाना, जाने की जिधर जिधर ज़रूरत है खून की, ठीक है। ये टू वे मूवमेंट ऑफ ब्लड पे काम करते हैं, ठीक है। बस इतना ही, बाकी ये आपने सारा लर्न करना, स्क्रीनशॉट लेके सारा आपने अपनी कॉपीज पे लिख देना है, ठीक है। मैंने आसान वर्डिंग में लिखा है, वो फिर थोड़ा सा मुश्किल है।